हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं द केस ऑफ बिया जिंग, जो कि एक चाइनीज़ मूवी है और ये आपको 1.5 घंटे के अराउंड देखने के लिए मिलेगा। और इसमें बता दूं कि ये आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा और इसमें आपको एक्शंस देखने के लिए मिलेगा और थोड़ा बहुत सा सस्पेंस देखने के लिए मिलेगा, जो कि क्या होता है वो मालूम नहीं। तो अपन बात करते हैं इसके डबिंग के बारे में। देखो, डबिंग भी है जो ठीक ठाक किया गया है, उतना खास नहीं है। प्लस क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में भी दम नहीं है। मैंने ये अचानक से मूवी देख लिया और देख करके मैंने छोड़ दिया। उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि ये मूवी कैसा है। देखो, स्टोरी इस पे बेस्ड है कि कुछ मंत्री जो लोग होते हैं वो राजा को हटाने के पीछे बढ़ जाते हैं और वो कैसे क्या क्या चीजें करते हैं, तो ये सब चीजें हैं जो बताई गई है। और दो मंत्री जो होते हैं जो अपॉइंट करते हैं एक पुलिस वाले को, मतलब की कार्यकर्ता को अपॉइंट करते हैं और उसको जिम्मेदारी देते हैं कि राज्य में क्या चल रहा है उसकी जासूसी करने के लिए। कुछ स्मगलिंग टाइप का कुछ हो रहा होता है उसको ढूंढने के लिए, तो वो सब ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उसका जो मेन लीड एक्टर से इसमें समझो तो वे एक लड़की है, जो लड़की के हाथ में सौंपता है जिम्मेदारी कि इसको ढूंढो, इसको ढूंढ करके लेके आओ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या चीजें हैं जिसके पीछे लोग पड़े हुए। तो ये सब चीजें हैं जो इसमें प्रॉपरली बताई गई है। हालांकि ये उतना खास नहीं, बिल्कुल बेकार मूवी है। तो अगर आपको देखना है तो आप लोग जा करके देख सकते हो। मेरे हिसाब से ना देखो तो ये अच्छा है, क्योंकि देखने के बाद बोलोगे कि क्या देख लिया, क्योंकि वो हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा जैसे मूवी होता है तो जो मूवी के जैसा बनाया जाता है, जो कि इसमें नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ना देखो, क्योंकि टाइम वेस्ट मूवी है। और देखो भी टाइम वेस्ट मूवी जैसा भी रहता है कि टाइम वेस्ट करो, इसमें तो वो भी नहीं कि आप लोग देखो।